गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से डाइनिंग टेबल पे। दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म मैगी के साथ, और देख सकते हैं आप आज भी हमारे शेफ मिस्टर निशांत को लगे हुए हैं और बाकी लोग लगे हुए हैं बर्तन धोने में और सफाई में। और गाइस डे टू, न्यू शेफ, पुराना शेफ वहां बैठा है। ऐसा नहीं है कि ये शेफ ही बनाता है, कल को कमेंट आएगी ओ पुअर गाय ट्रिप में ले जाएंगे। आज हमारा नया शेफ है। व्हाट इज दिस? टिकटॉक। ये कौन है? शरण्या। कहाँ है शरण्या? यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे दिखाओ। हेलो गाइस, डे टू इन ओस्लो पहुंच चुके हैं। सवारियां सब रेडी हो गई हैं, टाइम नहीं बताएंगे क्या हो रहा है अभी, लेकिन निकल चुके हैं। और आठ बज रहे हैं। ये लड़का भी कहाँ है हम अभी? सुबह सुबह। तो गाइस हम आए हैं, हाँ, विगलून्स पार्कन, और ये बहुत बड़ा फ्रॉगनर पार्क है, वैसे उसके अंदर विगलून पार्क है। और विगलैंड नाम है जो यहाँ का आर्किटेक्ट था, आर्टिस्ट था, उसका नाम था गुस्ताव विगलैंड, तो उसके नाम से उन्होंने इसके अंदर एक विगलैंड पार्क बनाया हुआ है। पार्क का उसने आर्किटेक्ट, हाँ, उसने पार्क भी डिजाइन किया और बाकी जितने भी स्कल्पचर हैं यहाँ पे, तो आई थिंक 200 प्लस स्कल्पचर्स हैं, जो कि ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन और काफ़ी चीज़ों से, ग्रेनाइट, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको, 200 के 200 तो नहीं दिखाएंगे लेकिन मेन दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। काफ़ी भीड़ है, पार्किंग भी खचाखच भरी हुई है, तो बहुत लोग आते हैं और सभी अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग धूप सेक रहे हैं। और ये देखिए बच्चा यहाँ मजा करता हुआ विगलैंड पार्क में, अपने आप को अपनी सवारी चलाते हुए। शरण इधर जाना, इधर गाड़ी मोड़ो, इधर कम चल। कहाँ जा रहे हैं शरण? प्लेन में। प्लेन में? प्लेन। पार्क में यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। अरे बच्चा चाहता है मम्मा पापा दोनों एक साथ चलें, लेकिन मम्मा बिजी है फोटो खिंचाने में। ये है इधर से एंट्रेंस, सामने से वो देखिए, वहाँ से अगर आप इस साइड से आएंगे तो ये आपको एंट्रेंस दिखेगी विगलैंड पार्क की। और ये ब्रिज है जो छोटी सी नदी को क्रॉस करता हुआ, और इसके चारों तरफ आपको दिखेंगे दोनों साइड ब्रिज के बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए। मेरे पीछे देखो, दोनों तरफ इतने सारे स्टैचूज हैं, कितने कवर करूँ, ऐसे जा रहा हूँ पर देखते हैं कितने हैं, काफ़ी अलग अलग बने हुए, तो ऐसे मन कर रहा है सारे को मैं कैप्चर करूँ और दिखाऊँ आपको। हाँ, मोर देन 200 है, तो यहाँ से स्टार्ट है, तो इतने सारे ये बने हुए, फिर आगे एंड में जाके और सारे बने हुए हैं। तो ये देखो ये क्या एरोबैटिक्स कर रहा है कुछ। हर स्कल्पचर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक फेमस स्कल्पचर भी है एंग्री गर्ल वाला, जो मैंने दिखाया आपको पहले, अभी दोबारा दिखाता हूँ उसकी क्लिप में, तो वो एंग्री गर्ल का स्कल्पचर है। तो ऐसे ही बहुत सारे बना रखे हैं गुस्ताव विगलून ने, और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो उन्होंने ये पूरा पार्क बना दिया, और जो उसका घर था उसको आई थिंक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। और दोस्तों पुल के जस्ट साइड से ही एक साइड लेन जाती नीचे,
तो वहाँ से जा रहे हैं आगे, और यहाँ पे एक अच्छा सा पोडियम बना हुआ है, यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। तो साक्षी को मैं हाँ इधर पानी है और काफ़ी अच्छा फॉल है, तो साक्षी को इस बहाने से लेके आया हूँ कि बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी, तो देखते हैं पहुँच के क्या होता है, नहीं तो साक्षी भड़क भी सकती है। और यहाँ पे बने हुए छोटे छोटे बेबीज वाले स्टैचू, और बैठने की बहुत ही शानदार जगह भी है। तो ये नीचे से जब आया मैं तो यहाँ पे ये पोर्ट, और ये देखिए ये करतब दिखा रहा है बेबी आसन कर रहे हैं क्या सारे, देखो अलग अलग से बने हुए। और ये था देखिए ऊपर ब्रिज, और नीचे आए यहाँ आ गए, यहाँ पर रोमांस भी चल रहा है, बट यहाँ से आएंगे अच्छी पिक्चर। सामने देखिए क्या जबरदस्त व्यू है, और पीछे बहुत सारे सीगल्स उड़ते हुए पानी किनारे, बहुत ही अच्छा स्पॉट है, कपल्स को तो ज़रूर आना चाहिए, एकदम रोमांटिक माहौल बन जाएगा। तो दोस्तों आए तो है नीचे, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से फॉल की पिक्चर आ पाएगी, क्योंकि ये बीच में झाड़ियाँ पेड़ आ चुके हैं बीच में, तो फॉल की पिक्चर लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब वेस्ट हुआ नीचे आना साक्षी के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। अगर आप देखो यार क्या जबरदस्त मस्त है, पीछे व्यू देखिए, ये देखो क्या लग रहा है व्यू यहाँ से, तो यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ पिक्चर्स। इतने बड़े पार्क को मेंटेन करना भी अपने आप में चैलेंज है, तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे माली लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे हैं हम देखो, तो ये कुछ कुछ सेटिंग कर रहे हैं, आई थिंक नए पेड़ लगाएंगे, कुछ कुछ रोजेस के लग रहे हैं, कुछ अलग लग रहे हैं चारों तरफ। और आ चुके हैं यहाँ पे हम सेंटर पार्ट पे, देखिए टूरिस्ट कितने सारे हैं चारों तरफ, फोटोज क्लिक्स हो रही हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। और ये देखिए यहाँ पे अलग ही तरह की कारीगरी स्टैचू, ये इतनी बड़ी प्लेट उठा के बैठे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं ऊपर, और ये देखिए ये है पूरा एक पिलर बना हुआ है, इसमें स्टैचू बने हुए एक के ऊपर एक करते हैं, काफ़ी टॉल है तो देख सकते हैं आप, और इसके चारों तरफ भी। चलो जरा साक्षी के पास चला जाए, ऊपर चले गई है, और कुछ फ़ोटोज़ भी खींची जाए। तो और यहाँ ये बने हुए मार्बल ग्रेफाइट वाले सारे चारों तरफ, और ये रहा पूरा पार्क, यहाँ ऊपर से व्यू देखिए, वो वहाँ से आए हम नीचे से वॉक करके यहाँ तक, बहुत सारे हैं स्कल्पचर्स देख सकते हैं, फैमिली वाले बने हुए हैं यहाँ पे पूरी सबकी, ये बच्चे खेलते हुए का स्कल्पचर है, ये कुछ अलग टाइप का स्कल्पचर है, चारों तरफ स्कल्पचर थी, और सब अपनी अपनी फोटोग्राफी स्किल्स में बिजी। माथा देख लिया है विगलैंड पार्क में इतने सारे स्टैचू हैं, इतने सारे स्टैचू हैं, क्या बताएं कितने दिखाएं, देखो हमारे पीछे भी है। पहुंच गए हैं हम इस पार्क के एंड में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है इसका एंड में स्कल्पचर बना हुआ है रिंग वाला, और लास्ट में बाउंड्री है, देखता हूँ वहाँ से नीचे कुछ व्यू दिख रहा है अगर तो, बट ये था पूरा लंबा स्ट्रेच बना हुआ एक, जिसमें सारे मॉन्यूमेंट्स और ये स्कल्पचर्स बने हुए थे। और इसके बाद चलते हैं नीचे को, और पार्क में कुछ बैठ के कुछ रेस्टोरेंट में खाते हैं कुछ खाना।
तो गाइस आए हम यहाँ की लेटेस्ट जगह पे, जो बहुत कम ही टूरिस्ट आ रहे हैं अभी आजकल, क्योंकि ये लेटेस्ट बना है, आई थिंक 1 ईयर हुआ होगा। और ये है स्टैचू, और इसका नाम है फॉर आवर सिन स्टैचू इन द मेमोरी ऑफ फ्रेया वॉल्गस। बेसिकली ये जो स्कल्पचर दिखाया है, इसका नाम है फ्रेया द वॉल्गस, और ये एक एनिमल था, और ये अभी रिसेंटली बना है अप्रैल में इसी ईयर। और हुआ क्या था कि यहाँ पे लोग इसको खाना देते थे, तो काफ़ी लोगों की शेप वगैरह और जो मूर्ति उसमें चला जाता था, तो यहाँ फिर कुछ आगे चल के किसी ने इसको मार दिया है। और ऐसे ही नहीं, उसके बगल में जो मैंने दिखाया आपको, तो काफ़ी ऐसे जानवरों को मारा गया था पहले, तो लोगों ने काफ़ी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह किया है, लोग खुश नहीं थे यहाँ के। तो फिर गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके थोड़ा बहुत फंडिंग करके ये स्टैचू बनाया है उसकी मेमोरी में, और इसीलिए इसका नाम है फॉर आवर सिन, की हमारे पापों के लिए, तो डेट्स वाई। चलो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हुआ, थक गए सब, इतना बड़ा पार्क था कि सब थक गए हैं, और जा रहे हैं अब घर को, पेट पूजा करेंगे आज। कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बहुत थक चुके हैं, घर की ओर रुक करते हैं अब। चलो, और ये पापा अपनी जॉब पे लगे हुए हैं। ओहो, आ गए हम पेपे पिज़्ज़ा में, जो कि यहाँ काफ़ी फेमस है, बहुत सारे स्टोर हैं लाइक डोमिनोज, और देखते हैं कैसा होता है यहाँ का पिज़्ज़ा, काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो। कुछ कहना चाहोगे? टुटू टुटू बुशी, डोंट डू दैट। स्पाइसी चिकन, काफी इंटरेस्टिंग। वेजिटेरियन गार्डन लुक्स अमेजिंग, या विद एवोकाडो, चेरी, टोमेटो, मशरूम्स। हेलो शरण्या, विल यू ईट पिज्जा? पिज्जा, ओके, पिज्जा खाया जाए, पिज्जा बहुत दबा के भूख लगी है। बेक पिज्जा। और ये है शरण का, तो कैसा लग रहा है पिज्जा? बहुत अच्छा है, जो उसका ये क्रस्ट बहुत सॉफ्ट है। ओह, अपना भी सही, एकदम स्पाइसी है। यम्मी यम्मी। ओके, बस ओके, नॉट यम्मी। हां, यम्मी। एक्सप्रेशन देख, यम्मी। और भाई, कल की बिरयानी के बाद आज का पिज्जा? वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा पिज्जा खा लिया है दोनों, चट कर गया, चट। तो ये है यहाँ की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फ्रंट साइड, और यहाँ पे हो रहा था अभी प्रोटेस्ट, जो कि हमारे पिज़्ज़ा खाते खाते ख़त्म हो चुका है, और नॉर्वेजियन फ्लैग लहराता हुआ, और ये इस रोमांचक नज़ारे का आनंद लेते हुए कुछ दर्शक यहाँ पे खड़े हैं। और थोड़ा पार्लियामेंट का और क्लोजअप व्यू लेके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। काफ़ी छोटी लग रही है पार्लियामेंट, बट मे बी ये लंबाई में हो, बट फ्रंट फेस से तो काफ़ी छोटा लग रहा है। और ये शरण्या यहाँ से पार्लियामेंट व्यू एंजॉय करते हुए। तो ये थी पार्लियामेंट, जो कि बंद पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, लड़कियां लोग निकल चुकी हैं पास। यहाँ पे ये मेन इनका स्ट्रीट है, जो मैंने बताया था, कार्ल स्ट्रीट, और यहीं पे है काफ़ी सारे शॉपिंग स्टोर्स, तो लड़कियां जा चुकी हैं शॉपिंग करने, और हम, मैं और निशान घूम रहे हैं बाहर। तो चलो देखते हैं आज कितने का फटका लगने वाला, लड़कियां क्या शॉपिंग करके आने वाली हैं। और थोड़ा सा ये मेन स्ट्रीट, जैसे अपने स्टॉकों में द्रोथिंग होम स्ट्रीट है वैसी है, इसका देख लो चारों तरफ लोगों की भीड़, टूरिस्ट और यहाँ की लोकल जनता। और आज शायद कुछ मैच मूच है शायद, आई थिंक इनका, तो काफ़ी सारे लोग इस ड्रेस में नज़र आ रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे इस बार में भी, अच्छे मौसम का मज़ा लेते हुए बियर की चिप्सियों के साथ। और ये स्टैचू का समझ में नहीं आया, इसके आंखों में किसने बांध दिया, शायद कहा है कि मत देखो, नॉर्वे किस हालात में जा रहा है, ऐसा मत देखो। मिला कोई शोविनियर? और ये है शोविनियर। ओहो, काफ़ी फैंसी है दुकान, तरह तरह के कपड़े, बेसिकली कपड़े भी यहाँ नॉर्वेजियन स्टाइल से,
और काफ़ी सारे सोवेनियर हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये दिखाया गया है नॉर्वे डेमो, ये अपना फिशिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये था ये टू, बहुत थक गए हैं तो निकल रहे हैं घर को। तो आपने अगर ये व्लॉग पूरा देख लिया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।